अब एक और कैटेगरी की तरफ चले जी, चले। कैटेगरी 07, बेस्ट डॉक्टर ऑन पॉलिटिकल कॉल, नीम हकीम अवार्ड। यानी ये नीम हकीम अवार्ड की बात हो रही है। सबको दे दें। फिर दो। अच्छा अच्छा, इसमें हकीम तो ज्यादा नहीं है हमारे। मैंने कहा मैं कुछ ख्वाजा साहब नहीं, इस की दफा अगर आप देखें हमारी पॉलिटिक्स में MBBS डॉक्टर काफी सारे हैं, मतलब शेरफ मुन्ना भाई वो तो सारे ही हैं। आप बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, शेरफगन है, इशरतुल बाद है, डॉक्टर इशरतुल बाद है, ब्यूरोक्रेसी में बहुत है मसूद अपने, जो जो MBBS करता है वो जाके CSS देता है और ब्यूरोक्रेसी में चला जाता है। अरबाब रहीम भी डॉक्टर है, अरबाब रहीम भी डॉक्टर है, बिल्कुल ये वाइट डॉक्टर है जिनका कुछ लोगों ने बड़ा इलाज किया। मजे की बात है, मुझे एक चीज पे बड़ा इतराज है, डॉक्टर बंदा 5 साल तो लगाता है, जिस काम पे 5 साल लगाए वो छोड़ दिया। हाँ, और जो कर रहे हैं क्या वो छोड़े ना भाई। देखे डॉक्टर्स के हाथ कभी कभी पेशेंट्स का लॉस भी हो जाता है, नर्स की सोच ये ऑन अ पॉलिटिकल लेवल मैसिव ह्यूमन सैक्रिफाइस, तो फिर ये सही दे सकते हैं। ये जितने डॉक्टरों का जिक्र हुआ है इन्होंने काम को बड़े टीके लगाए, बड़ी दुखी उन्होंने वो जो फिल्मी। कोई और डॉक्टर रह गया है इसमें से, फेरिस्ट में से, जो सियासी डॉक्टर, डॉक्टर ऑन कॉल, नीम हकीम। वैसे हमारे मीडिया में भी तो हैं, शायद डॉक्टर अनवर सजाद साहब हैं, डॉक्टर अनवर सजाद है, डॉक्टर शाह मसूद हैं। हाँ बिल्कुल, वो भी इसी तरह हिसाब है। नीम हकीम, नीम पता नहीं अचानक ही पेशेंट कोई कर देते हैं, कुछ होने वाला है, कुछ नहीं हुआ, वो पीर डॉक्टर। अब हम जाएंगे अपनी नॉमिनेशंस की तरफ। जी तो देखते हैं कि हमारे नॉमिनीज कौन है। And the nominees are number 1 Dr. Sher Afghan, number 2 Dr. Sungo, number 3 Dr. Asim, and number 4 Dr. Shahid Masood. ये दो डॉक्टर हम भूल गए, डॉक्टर आसम हमारे दोस्त है वो भूल गए हम बिल्कुल। हाँ, डॉक्टर आसम है, पेट्रोल निकाल रहे थे अच्छा खासा। पेट्रोलियम अभी मैंने तस्वीर जो लगाई है, पेट्रोल तो नहीं निकाला लेकिन लैट निकाली है। पेट्रोल के टीके लगाते हैं। हाँ कयूम सुमरो भाई, उस पे तो भाई लैट की बात ना करें, ख्वाजा साहब सेंसिटिव हो जाएंगे। हाँ दारी साहब के बहुत दोस्तों में से है। सुमरो साहब सरदारी साहब के बारे में ये बात बड़ी मशहूर है, दोस्तों का बड़ा ख्याल रखते हैं, कभी दोस्तों को ना नहीं करते, ये बात सही है? कहते हैं कि सारे कैदी, सारे मुशक्ति और सारे मुलाकाती उन्होंने भूले नहीं वो। आप भी जेल जाओ तो है। अच्छा चले, जेल जाने की जरा सेंसिटिव टॉपिक है, मुझे तो लगता है ये सेरेमनी अब जेल में ही हो, अल्लाह ना करे। इंशाल्लाह जाते हैं अपनी अगली कैटेगरी की तरफ, क्योंकि हर चीज का कोई ना कोई प्रीरिक्विजिट होता है, तो इस कैटेगरी को भी देख लेते हैं। कैटेगरी 08 पॉलिटिकल रिक्विजिट अवार्ड, मसलहत अवार्ड। पॉलिटिकल रिक्विजिट अवार्ड यानी हमारा मसलहत अवार्ड जो है, मेरे ख्याल में अगर बाकी आप लोग एग्री करें इसमें सिर्फ सजाद साहब से बात करते हैं, ये बड़ी संजीदा बात है। मुझे समझ नहीं आई तो मैं क्या बोलूंगा, ये संजीदा बात है ना। अच्छा सर, मेरे ख्याल में ये मसलहत जो है हमारे यहाँ काफी चीजों में, मतलब नजरिया जरूरत एक मसलहत है। बिल्कुल, इस तरह NRO मसलहत है। हाँ NRO बहुत बड़ी मसलहत है। और क्या है मसलहत, कई चीजें मसलहत है हमारी, नजरिया जरूरत है। टर्न कोट्स, हाँ बिल्कुल सही। अगेन आई एम गोइंग टुवर्ड्स बाथरूम कॉन्वर्सेशन, वी विल नॉट गो देयर। नहीं 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 नहीं, क्रॉकरी का डिक्शनरी, आप तो डिक्शनरी में जिक्र है उसका, उसको लोटा कहते हैं आप। कोई नहीं, सेड द मच फियर्ड वर्ड, ही फाइनली सेड इट। नजरिया जरूरत हो गया, टर्न कोट्स हो गया, और NRO हो गया, और क्या क्या। आप टर्न कोट इस्तेमाल कर रहे हैं, लोटा नहीं कह रहे हैं, नजरिया जरूरत है ना जी, ये भी वही है, मसलियत अवार्ड है, आपको मिलना चाहिए लोटा भी नजरिया जरूरत के। तो देखते हैं हम अपने अगले, अब नॉमिनीज को। एंड द नॉमिनीज आर नंबर 1 NRO, नंबर 2 रेफरेंडम, नंबर 3 नजरिया जरूरत, एंड नंबर 4 टर्न कोर्ट्स। बीच में कौन सा नंबर 2 क्या है? रेफरेंडम जो आप बोल रहे हैं। सर अब आप मुझे बताएं, अगर आपको इन चारों में से कोई एक चीज चूज करनी हो कि किसने सबसे ज्यादा डैमेज किया है मसलहत के नाम पर, तो किसे आप अगर इस पर रेफरेंडम करा रहे हैं तो NRO को इस बार कहेंगे, वरना नजरिया जरूरत था पहले। शायद उनकी पॉलिटिकल कनेक्शन ज्यादा नहीं काम आई। देखते हैं अपनी अगली कैटेगरी को। कैटेगरी 09 पॉलिटिकल विक्टिम्स, सियासी शिकार अवार्ड।
सियासी शिकार है वो, क्योंकि महमूद साहब आप साइलेंट बट वायलेंट होके बैठे हुए हैं हमारे साहब के साथ, तो आप स्टार्ट करेंगे। मैं बड़ा मजा कर रहा हूँ शिकार का, तो मैं बहुत शौकीन हूँ। मुझे बताएं कि हमारे सियासी विक्टिम्स कौन रहे हैं, कौन है हमारे पॉलिटिकल विक्टिम्स? जवेद हाशमी रहे हैं वैसे तो, अगर नाम लिए अवाम से बड़ा विक्टिम कोई नहीं, अवाम से बड़ा विक्टिम हथियार डाल दिए मैंने। और दूसरा सर, ये जो मतलब आपने जवेद हाशमी साहब का नाम लिया, तो शायद आप इसलिए कह रहे हैं कि वो जेल में गए थे। जेल में जाने वालों की आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ, शेख रशीद और सलमान तासीर को भी गिनने। आप तो इस तरह की चीज ये कहना चाह रहे हैं कि जो लोग साइड लाइन कर दिए गए, मतलब उसमें नाहिद खान का नाम है, हाँ, एक ही बात है ना। नहीं सर, अच्छा अलग अलग दो, अब इस तरह एक घर के, एक घर के दो मिनिस्टर जरूर हैं। एक घर के आपने चार नाम दे दिए, हमने दो अलग किए, तो आप माने बाज़ सर एक घर में चार घर भी तो होते हैं। ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है बहुत से लोगों के लिए, तो हम जाएंगे अपनी नॉमिनी और बताएं। नंबर वन नाहिद खान, नंबर टू जावेद हाशमी, नंबर थ्री दानियाल अजीज, एंड नंबर फोर शेरी रहमान। How could we forget शेरी रहमान? And how could we forget दानियाल अजीज? Yes. वो इन्होंने इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा किया और blesses. इसमें मखदूम अमीन साहब नहीं आते? हाय सदके जामा बहुत से नाम आते फिर दो आपके सदके जाने के भी सदके उन्हें शिकार हुए भी इतना अरसा हो गया है, उनको पता नहीं, उनको खुद पता, आवाम की नजर से हट जाते हैं ना सब लोग। अच्छा अपने अगले अवार्ड की तरफ चले। कैटेगरी 10 आउटस्टैंडिंग अवार्ड, बेदखल अवार्ड। अब देखें ये लिटरली एक से बढ़ के एक है, बिकॉज आउटस्टैंडिंग से बढ़ के तो कुछ नहीं हो सकता। अमीन फहीम साहब आ सकता है, बेदखल वैसे बॉर्डर लाइन पे तो जावेद हाशमी भी हैं, हो गए अमीन फहीम, हो गए और कौन से जो बाहर खड़े हैं, बड़े खड़े मियां अजहर को कह सकते हैं, मियां अजहर को। वैसे अगर आउटस्टैंडिंग दूसरे मानों में लिया जाए तो एक जमाने में आसिफ जरदारी रहे हैं, बेनजीर रहे हैं, नवाज शरीफ रहे हैं, आउटस्टैंडिंग। लेकिन ये अल्ताफ हुसैन साहब आजकल हैं, लेकिन वो सचमुच आउटस्टैंडिंग है सर। आउटस्टैंडिंग हम बेदखल की बात करें, बाहर खड़े होने की। अच्छा अच्छा अच्छा, घर से घर से आउट और स्टैंडिंग बाहर खड़े होने की, कितना उसमें शेख रशीद आते हैं या नहीं? शेख रशीद तो उनके हल्के के लोगों ने तो उन्हें आउटस्टैंडिंग कर दिया ना। हाँ आउटस्टैंडिंग तो कर दिया पता नहीं, लेकिन वो हमेशा फील्ड में रहते हैं, रहने की कोशिश करते हैं। शेरी रहमान का नाम तो नहीं आएगा? शेरी रहमान आ सकती है, शेरी रहमान आ सकती है मेरे ख्याल में। वैसे तो आपके ये दोस्त भी आ सकते हैं जो हमने पहले भी नाम इनको दिया है, दोनों जोड़ा नहीद खान और सफदर सबासी साहब और नहीद खान। हाँ हाँ जेंटलमैन एंड ख्वाजा साहब। अच्छा, हम जाते हैं अपनी नॉमिनीज की तरफ। नॉमिनीज आर नंबर वन हाजी परवेज, नंबर टू शुमाइला राना, नंबर थ्री चौधरी अब्दुल गफूर, एंड नंबर फोर मुनव्वर गिल। सियासी दुनिया अवार्ड्स एक से बढ़कर एक में एसएमएस करने के लिए अपने मोबाइल से टाइप कीजिए एसटीए स्पेस कैटेगरी कोड स्पेस के बाद नॉमिनेशन कोड लिखकर 6622 पर भेज दें। हिस्सा लेने के लिए 09001024 पर अभी कॉल करें। अवार्ड्स नॉमिनीज में से अपने पसंदीदा फर्द या पार्टी का इंतखाब करके अपनी राय का इजहार करें। आप अपना वोट बजरिए डाक हमें इस्ताल कर सकते हैं। हमारा पता है पीओ बॉक्स 1550 दुनिया न्यूज बिल्डिंग लाहौर। विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.dunianews.tv/sta और अपनी राय का इजहार कीजिए। शुमाइला जी से तो कोई खास दुश्मनी थी जो उनकी? नहीं, इस अवार्ड में तो फिर हम तो कुछ और समझते रहे आउटस्टैंडिंग से। ये तो एक ही पार्टी से आउटस्टैंडिंग हुए हैं। शायद कोई एक आध है, दूसरा नहीं, सारे नहीं, सारे एक ही पार्टी। और अगर ये पार्टी इतने इंसाफ से आउटस्टैंडिंग पार्टी है वैसे, अगर इतने इंसाफ से काम करती रही, दो तीन लोग ही होंगे इसमें।